सबरूम तक जाके हम लोग फिर से वापस आ गए अगरतला। अब रात के 11 बज रहे। अब हम लोग हमारी ट्रेन अगरतला न्यू दिल्ली त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस के लिए वेट कर रहे हैं। इस ट्रेन से हम लोग न्यू बोंगाईगांव तक जाने वाले हैं। वहीं पे हमारी ये आसाम जर्नी ख़त्म होगी। सुबह जब आँख खुली तब ट्रेन बदरपुर छोड़ चुकी थी और अभी हम लोग बढ़ रहे न्यू हाफलॉन्ग की तरफ। बदरपुर जंक्शन पहुंचने की 75 किलोमीटर पहले ही ट्रेन त्रिपुरा छोड़ के आसाम घुस चुकी है और अब हम लोग बराक वैली इलाके में घुस चुके हैं। आगे दामछड़ा स्टेशन आने वाली है। हम लोग के हिसाब से बदरपुर से हाफलोंग तक बराक वैली का जो ये स्ट्रेच है, इसी स्ट्रेच में प्राकृतिक सौंदर्य सबसे बढ़िया देखने को मिलता है। हम लोग दामछड़ा स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ पे ट्रेन रुकेगी क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग है। सिंगल लाइन ट्रेन रूट होने के कारण किसी भी स्टेशन में ट्रेन रुक जाती है क्रॉसिंग के लिए। त्रिपुरा जाते वक्त न्यू हाफलॉन्ग छोड़ने के बाद शाम हो गई थी, इसलिए न्यू हाफलॉन्ग छोड़ने के बाद इस स्ट्रेच की वीडियोग्राफी हम लोग तब नहीं कर पाए। अब लौटते वक्त हमारा नसीब अच्छा है कि बदरपुर हमारी ट्रेन सुबह खुली है। त्रिपुरा सुंदरी एक्सप्रेस अगरतला से 11 घंटे लेट से खुली है। अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock अगरतला से खुलने के कारण इस स्ट्रेच मतलब बदरपुर से हाफलॉन्ग तक ये जो स्ट्रेच है इसमें सुबह चल रही है। हालांकि राइट टाइम में अगर ये ट्रेन चलती तो इस स्ट्रेच में भी यह रात को चलती और तब लौटते वक्त भी हम लोग इस नज़ारों का आनंद नहीं उठा पाते। आप लोग भी हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और नज़ारों का आनंद उठाइए। खाली
Thank you.
हम लोग भी बोंगाईगांव रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहां पे अभी भी दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है, जबकि कल दिवाली का दिन था। लोग रास्ते के बीचों बीच पटाखे फोड़ रहे हैं। खुशी का माहौल है, देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहीं पे हमारा असम और त्रिपुरा का इस बार का सफर खत्म होता है। हिमालय के पहाड़ियों पे बाइक चला के काफी जगहों पे हम लोग घूम चुके हैं। अगले वीडियो में हिमालय में बाइक चलाने की कुछ एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करेंगे।